मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट के, जो रिपीटेडली मुझे कमेंट आते हैं। और अभी देखिए, हाल फिलहाल में सभी के कमेंट की रिप्लाई करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो वीडियो बनाकर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, फिर जो चीज़ मैंने वीडियो में आपको बताई है वही आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताऊँ। तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखा करें। मेरी वीडियोज़ की जो लेंथ होती है वो पहले ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, और आप इसको अगर 2x में करके देख लेंगे तो आपको जो है 1 से 2 मिनट में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें, उसके बाद ही आप लोग जो है कमेंट किया करें। पहला आज का हमारा जो यहां पर डाउट है वो ये है कि ग्रुप डी की जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, यानी कि फ्यूचर में अगर कभी भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो क्या उसमें ITI मैंडेटरी होगी, यानी कि ITI अनिवार्य होगी? देखिए, यह मुद्दा कहां से शुरू हुआ था मैं आपको बता दूं। जब आपकी 2019 की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, तो उसमें क्या हुआ था, वहां पर ITI उन्होंने मैंडेटरी किया था, तो उस पर बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह हुआ था। आंदोलन करने के बाद क्या किया था उन्होंने, यहां पर एक नोटिस निकाल कर बताया था कि जो 2018 में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है और 2019 वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें ITI ये लोग अनिवार्य नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए देखिए, यहां पर एक नोटिस निकाला गया था। पूरा नोटिस मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, उसका मेन पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वाले पार्ट को आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2018 और 19 के बाद अगर कोई भी वैकेंसी फ्यूचर में आती है तो उसके लिए यहां पर आपको ITI मैंडेटरी होगा, यानी कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिसशिप वगैरह का जो सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने सिर्फ 10th किया है तो फ्यूचर में आप किसी भी ग्रुप डी की वैकेंसी पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को लेकर जो है काफी लोगों को डाउट है, तो ये डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। अगर आप जो है फ्यूचर में ग्रुप डी में जॉब करना चाहते हैं तो ITI आपको करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है TCS और NSEIT को लेकर। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट इस बात में है कि TCS और NSEIT का जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर अलग अलग है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं इस बात को लेकर भी कि सर, अगर TCS के बजाय NSEIT एग्जाम करा लेता है तो उस कंडीशन में पेपर का पैटर्न क्या चेंज हो जाएगा? देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, जब भी आपका कोई एग्जाम होता है उसके लिए जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आपका मतलब कि जैसे रेलवे में आपका नोटिफिकेशन आया तो RRB के द्वारा दिया जाता है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट आपका जो बोर्ड होता है, RRC आप कह सकते हैं, उसके द्वारा वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यानी कि जो आपका सिलेबस है वो आपका RRB सेट करती है, उसके बाद आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज की जाती है। तो देखिए, यहां पर जो सिलेबस आपका सेट किया है वो RRB ने किया है, यानी कि अगर आपका एग्जाम NSEIT लेता है या TCS लेता है, दोनों ही कंडीशन में आपका सिलेबस वही रहेगा जो RRB ने सेट किया है। अब बात करें क्वेश्चन के लेवल को लेकर, देखिए क्वेश्चन का लेवल इस तरह से मैनेज किया जाता है कि अगर 10th लेवल का एग्जाम है तो वहां पर क्या करेंगे वो लोग, वो सिलेबस देखते हैं, 9th और 10th का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, लेकिन मोस्टली वो लोग कोशिश यही करते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन दिया जाए। अब यहां पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अगर NSEIT एग्जाम ले रही है तो हार्ड एग्जाम आएगा या TCS एग्जाम ले रही है तो यहां पर ईजी एग्जाम आएगा, ऐसा कहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम रहता है। और देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को जो है पूछने का तरीका यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिससे स्टूडेंट को ये लगता है कि क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है, लेकिन वो लेवल अप नहीं होता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो जाता है। कई बार कंसेप्चुअल वे में जो है क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, आपको लगता है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ा है, आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा रहा है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप आंसर कर देंगे। तो इस बात को लेकर मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखें कि अगर NSEIT एग्जाम कराएगी तो टिपिकल आएगा, TCS कराएगा तो ईजी आएगा, दोनों ही कंडीशन में आपका एग्जाम बिल्कुल सेम होगा, लेवल आपका सेम होगा, आप लोग फोकस करें अपनी तैयारी पर। अब देखिए, तीसरा यहां पर बहुत ही कॉमन डाउट है, जब से आपका ये कोर्ट वाला केस जो क्लियर हुआ है उसके बाद स्टूडेंट को डाउट हो गया है कि सर, मैंने अपना फॉर्म चेक नहीं किया था, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। इस बात को लेकर जो है बहुत सारे कमेंट आते हैं यहां पर। कई लोग तो ये बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो इस तरह का मेल आपके पास जरूर आया होगा, आपके नंबर पर और आपके ईमेल ID पर। अगर इस तरह का मेल आपके पास आया तो ऑब्वियसली आपका फॉर्म रिजेक्ट है। अब देखिए, स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर, मेरे पास कोई मेल नहीं आया है, मेरे पास कोई नंबर पर मैसेज नहीं आया है, तो क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है? तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए, अगर आपके पास
रिजेक्शन का मेल या मैसेज नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। अब अगर आपने चेक नहीं किया तो ये आपकी मिस्टेक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहते हैं कि सर ना मैंने चेक किया है ना मेरे पास कोई मैसेज आया, तो देखिए इस कंडीशन में आप यही मानकर चलिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, क्योंकि रिजेक्ट वाले कैंडिडेट को 110% जो है उन्होंने मेल और मैसेज किया था, और जिन स्टूडेंट को यहाँ पर रिजेक्ट का मेल आया था उसके बाद एक्सेप्ट का मेल आया था वो भी यहाँ पर कंफ्यूज है। देखिए अगर फाइनल मेल आपका एक्सेप्ट का आ गया है तो डेफिनेटली आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है। तो इस बात को लेकर मन में डाउट ना रखे, सिर्फ उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट है जिनके पास सिर्फ रिजेक्शन का मेल या मैसेज आया था और बाद में उनके पास कोई भी मेल या मैसेज नहीं आया था, तो सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, बाकी जिनके पास भी मेल या मैसेज नहीं आया उनका फॉर्म 100% यहाँ पर एक्सेप्टेड ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेरी है, जो डाउट है वो इस बात को लेकर है कि सर मैंने अपनी कैटेगरी यहाँ पर गलत भर दी है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरने जा रहे हैं और अगर आप लोग अपनी कैटेगरी भी वहाँ पर सही सेलेक्ट नहीं करते तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। आप लोग ओबीसी में आप वहाँ पर एससी भर के आ गए हैं, आप लोग जर्नल में हैं तब आपने ओबीसी भर दिया। देखिए ऐसी सिली मिस्टेक्स करने के जो जिम्मेदार हैं वो आप खुद होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसका रास्ता क्या है। देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी यूआर, ठीक है, अगर आपने अपनी कैटेगरी यहाँ पर गलत भर दिया तो एकमात्र आपके पास तरीका है सिलेक्शन लेने का कि आप यूआर की कट ऑफ को क्लियर करें, ठीक है। देखिए मैं आपको साफ साफ एक बात बता दूं, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आप यूआर की कट ऑफ को क्लियर करें, यानी कि यूआर की कट ऑफ अगर 85 पर है आपके जोन में या 75 पर है तो आपके 75 मार्क्स वहां पर होने चाहिए, यानी कि यूआर की कट ऑफ के इक्वल आपके मार्क्स होने चाहिए। उस कंडीशन में आप कोई भी सर्टिफिकेट वहां पर ना दिखाएं तब भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरा यहां पर देखिए अगर क्या होगा कि आप लोग यहां पर बिलोंग करते हैं किससे, ओबीसी से, और आपने यहां पर क्या भरा है यूआर भरा है और यूआर की कट ऑफ आप क्लियर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा गलती है मानी जाएगी कि यहां पर आप कैटेगरी में उनके साथ जो है धोखा कर रहे हैं। रेलवे ये मानता है कि अगर आप कैटेगरी उनको गलत बता रहे हैं तो आप उनके साथ कुछ ना कुछ चीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो एकमात्र तरीका है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, यूआर की कट ऑफ को क्लियर करें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ना ही आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर भी नहीं करेंगे, वहां पर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। और देखिए आज की हमारी जो लास्ट क्वेरी है वो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को लेकर है। काफ़ी बार मुझे ये कमेंट आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो पहले भी कई बार चेंज हुआ है, और लेटेस्ट जो फॉर्मूला आपका आया था वो ये वाला था, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं रिवाइज्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। देखिए मैंने इसको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं कि मुझे किसी तरह से इसकी डिटेल्स मिल जाएँ, लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसमें जो टर्म्स दी गई हैं उसको हालांकि आप समझ जाएंगे कि किस टर्म्स का क्या मतलब है, वो मैं भी समझ गया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स को कैलकुलेट करना थोड़ा सा यहां पर कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा टिपिकल है। तो देखिए इसकी डिटेल में आप लोग मत जाइए, और मुझे पता है कि आप लोग इसके बारे में इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको यह लगता है कि ग्रुप डी 2018 की तरह कभी इतने ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट के ना बढ़ जाए। देखिए आपका जो है ग्रुप डी के बाद आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका रिवाइज्ड फॉर्मूला यानी कि जो नया वाला फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का उसका यूज किया गया था, और वहां पर मोस्टली ये देखा गया था कि किसी भी स्टूडेंट के 30 40 या 50 मार्क्स तक नहीं बढ़े थे, यानी कि वहां पर जो मार्क्स आपके बढ़े थे वो 8 से 10 के बीच में ही रहा था उसका रेशो। तो इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप डी 2019 का जो एग्जाम होगा उसमें जो आपके मार्क्स वगैरह बढ़ेंगे वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए फॉर्मूले को मॉडिफाई इसलिए किया गया था क्योंकि 2018 में बहुत ज्यादा मार्क्स में वेरिएशन आ गया था, ठीक है, 50-50 60-60 नंबर स्टूडेंट के बढ़ गए थे, तो उसको देखते हुए इन्होंने रिवाइज किया था फॉर्मूले को, और उम्मीद तो यही की जा सकती है इस बार 2019 में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके बाद आपके मार्क्स में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, जेन्युइनली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और एक और यहां पर डाउट रहता है स्टूडेंट को, देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपके मार्क्स कम भी हो जाते हैं, ठीक है, किसी को यह डाउट था कि इसमें मार्क्स कम नहीं होते तो मैं आपको बता दूं मार्क्स कम भी हो जाते हैं और मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। बाकी देखिए इसके लिए मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा, हालांकि इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरह से मार्क्स बढ़ते हैं और किस तरह से मार्क्स घटते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के हमारे ये 5 क्वेश्चन थे, देखिए 5 क्वेश्चन का मैंने आपको डिटेल आंसर दिया है, उम्मीद करता हूं आपकी सारी क्वेरीज यहां पर क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप लोगों का कोई कमेंट है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका है, रिप्लाई अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो उसको पढ़ने के बाद जो है मैं किसी ना किसी वीडियो में उसको डिस्क्राइब जरूर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।